तो मटर चाहिए ना, यहाँ पर आओ और बोली लगाओ मटर की। कितना होगा बिना भाई? इसकी बोली लगी है 2.25। 2.25 भाई, बहुत बहुत बधाई बन सके भाई। गाइस मुझे 400 तवार की एक चीज अच्छी नहीं लगी, 30 रुपए पर नहीं दिया यार मुझे। सही बात है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों को हेलो। और आपका भुवन आज फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप सभी का। और आज आपका भुवन भाई जा रहा है खटीमा उत्तराणी महोत्सव देखने, जो कि लगा हुआ है हमारे खटीमा क्षेत्र में। और शायद 14 या 15 तारीख से शायद हमारे नानी माता में भी लगेगा। तो पहले ना तो गाइस खटीमा जाके ना उत्तराणी महोत्सव का ना इन्जॉय लेते हैं। हे मेरे भाइयों कैसे हो फिर? ये भाई ये आ गए अपने कोठी में। कोठी वाले भाइयों क्या हो भाई, ये कैसा मौज आ रही? मौज कच्चे में आ गए उत्तराणी महोत्सव देखने। ओ ब्रो कैसा? और भाई जिन्हें इसको तो पहचानती होगे भाई, ये है भाई गेमिंग पीसी वाला। भाई आईफोन की बहुत बहुत बधाई यार तुझे। थैंक यू भाई। वंस अगेन। तो कितना डाल दिया फिर? अभी तो यार 5 पड़ गया। तो हो गया इसकी दिखाओ, होगी इसकी? चल बढ़िया है यार। भाई साहब मटर बिक्री वाला है, मटर जिसको मटर चाहिए ना यहाँ पर आओ और बोली लगाओ मटर की। कितना होगा बिना भाई? इसकी बोली लगी है 2.25। 2.25 भाई, बहुत बहुत बधाई बन सके भाई। 2.25 में भाई साहब ने प्लाट बेच दिया है, मतलब आई मीन मटर की खेती बेची है। यहाँ खेत नहीं बेचा है, प्लाट अपना रहेगा, मतलब इसमें जितनी भी मटर होगी वो बिक गया है 2.25 में। और भाई मोबाइल लेके आया यार, देखो भाई देखो iPhone 12 मेरे हाथ में पता नहीं कब होगा यार। किसी को चाहिए तो ले लो। भाई संपर्क करो, जिस किसी को चाहिए हो तो ले सकता है वो, ठीक है? वैसे ना कभी कभी मैं मांग लिया करूँगा यार। अरे ये भी बिकाऊ है। ये वाला है। ये कितने का है? ये यार 18 का कह रहा था यार। 18 कह रहा था है, कौन सा ये वाला? 8+ है। 8+ है, चल बढ़िया यार। चल कोई होगा ना तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, किसी को भी चाहिए हो तो आईफोन। कहाँ जा रहे हो? ये वाला, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं यार खटीमा उत्तराणी महोत्सव देखने। कितने महीने चला हुआ? 2-3 महीने चला गया। चल बढ़िया है यार। तो पेट्रोल डला लिया था, आप यहाँ से भी डलवा के देखते हैं 10 रुपये का पेट्रोल डलता है कि नहीं डलता है। यहाँ बालूसा केनिया के बीच में एक पेट्रोल पंप बड़ा बना हुआ है हैंडकट। और दस का क्या बोला तूने? 10 रुपये। 10 रुपये? हाँ 10 रुपये भैया, 10 रुपये का पेट्रोल डाल दो इतनी बड़ी गाड़ी में। क्या करें यार, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, बस खा बहुत रही है ना, तभी 10 का डला रहे हैं। कम खाती तो वैसे कितने किलोमीटर चल जाएगी तो उसमें? 6 यार, लो थैंक यू भैया ने डाल दिया 10 रुपये का तेल। चलो यहाँ से भी बढ़ते हैं। अब कहाँ पहुँच गए सीधे? नेपाल। गाइस हम पहुँच गए हैं उत्तराणी कार्तिक खटीमा, और जहाँ पार्किंग की सुविधा बना रखी है शायद। अरे उतर, हम पार्किंग करके आते हैं भाई। तो गाइस मैं पार्किंग में ना अपनी बाइक पार करके आता हूँ। लगाऊं
गाइस अपनी बाइक तो हो गई पार्क अब भैया से। कितने रुपये भैया पार्किंग की? हाँ कितने रुपये टिकट है? कितने रुपये टिकट चल रही है? 20 रुपये भैया। 20 रुपये? चलो भाई 20 रुपये दो अंकल को, 20 रुपये दो भैया को, सॉरी भैया को 20 रुपये दो। थैंक यू। जमा 12:45। अगर ये पर्ची खोगी फिर भैया? पर्ची खोगी फिर कोई बात नहीं, फिलहाल खोना मत, तो ये आपकी गाड़ी में लग जा रही है। हाँ लगा दो, गाड़ी नंबर अपना दिखाना। वही तो, क्योंकि खो जाती है ना कभी कभी, ऐसा होता है पर्स पैसे वगैरह निकाले और खो गए, तो फिर वही पूछ रहा था ना मैं। चलो ठीक है। हाँ हेलो भाई, अरे उत्तरायणी महोत्सव में कहना। गाइस यहाँ चल रहा है उत्तरायणी महोत्सव का कार्यक्रम। अब लेते हैं ड्रोन सूट, यहाँ से ना लोकेशन दिखाते हैं हम लोगों को, पूरा खटीमा आएगा और खटीमा से ये उत्तरायणी महोत्सव जहाँ लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ना काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जैसे चाय सुट्टा बार भी आ रखा है, हैंगरी पॉइंट भी आ रखा है, काफ़ी सारे यहाँ पर खाने पीने के लिए सामान लगाए गए हैं। और यहाँ चाय सुट्टा बार में आप देख सकते हो भाई साहब चाय बन रही है। Thank you.
गाइस उत्तरायणी महोत्सव देखने के बाद ना हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। शायद रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं क्योंकि अभी पूरा पता नहीं है हम लोगों को कि हम लोगों को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम लोगों को कहाँ जाना है करके। तो चलते हैं सीधा यहाँ से, तो निकलते हैं फिर आगे जाकर सोचते हैं कि कहाँ जाएंगे। अगर रेस्टोरेंट होगा तो रेस्टोरेंट में भी मौज मस्ती करेंगे। चलो चलते हैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ या घर की तरफ। अरे तोड़ेगा क्या? तोड़ेगा क्या ये? तो जा यार ऑर्डर मार के पिज्जा। कौन सा पिज्जा खिलाएगा आज? दिस जे वाला किधर गया? जे वाला चल जा ऑर्डर मार के। तो फिर जाओ यार अरे जाओ। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चाय सुट्टा बार में और यहाँ हमने दे दिया है पिज्जा का और चाय का ऑर्डर। तो गाइस हम है ना चाय प्रेमी और चाय का ऑर्डर दे दिया हमने। जैसे चंदू भैया हमारे चाय प्रेमी थे वैसे हम भी प्रेमी बन चुके हैं चाय के। तो हमने चाय सुट्टा पे आकर चाय का ऑर्डर दे चुके हैं और अब वेट कर रहे हैं चाय कितनी देर में आएगी। और हमने दिया स्पेशली चॉकलेट वाली चाय जो हमें चंदू भैया ने पिलाया था, और यहाँ पर भी हमने सेम वही चाय ऑर्डर दे दिया है चॉकलेटी चाय। और वहाँ हमारा फ़ोटो क्लिक कर रहा है हमारा डिस, मतलब यहाँ आगे ना हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे हम फोटो बहुत सारे क्लिक करते ही करते हैं, तो यहाँ पर भी करा ही रहे हम लोग। चलो तब तक चाय का वेट करते हैं। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे भी। तो गाइस हमारा पिज्जा लेकर आ रहा हमारा बिस्सू। ये आ गया हमारा पिज्जा भाई। तो गाइस चाय भी आ गई, बताओ हमारी आ चुकी है चाय और हमारे नाम बिस्सू भैया चाय लेके आ चुके हैं। चाय और पिज्जा एक साथ आ चुका है, तो अब इन चीज़ों का ना एंजॉय लेते हैं और आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ की चाय ना कैसी है। भाई साहब एक नंबर कुल्हड़ वाली चाय, मज़ा आ गया पीकर। क्या मिला रहा है इसमें? ये इससे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
टेस्टी पिक्सल चिल्ली फ्लेक्स मिला रहा है भाई, चिल्ली फ्लेक्स। चल मिला दे फटाफट, मैं पनीर खाऊंगा इसमें से निकाल कर। ये पनीर वाला ऑर्डर किया था हमने, तो पनीर है इसमें और भाई साहब मिर्च देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेल रहा है जी। तो वैसे चाय सुट्टा पार में ना हम लोगों ने पिज्जा और चाय के आनंद लेने के बाद ना हम लोग जा रहे हैं सीधा घर की तरफ ना विशु, घर जा रहे ना। तो गैस अभी हम पहुंच गए हूँ घर पर और साथ ही करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग पर। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।